नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको अच्छी खबर देने वाला हूँ कि अब आपका बिना सेटअप बॉक्स यानी कि जो डीडी फ्री डिश का जो सेटअप बॉक्स होता है वो आप एलईडी टीवी में जो अभी लगाते हैं और आपको डीडी फ्री डिश के जो चैनल देखने को मिलते हैं और जो पेड चैनल आप देखते हैं सेटअप बॉक्स लगा के, तो अब आपको सेटअप बॉक्स बिना कैसे वो डीडी फ्री डिश के चैनल देख सकते हैं, तो मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कि आपका जो सेटअप बॉक्स है वो बिना लगाए आप एलईडी टीवी में जो डीडी फ्री डिश के जितने भी सारे जो चैनल आते हैं वो आप कैसे देख सकेंगे। यानी कि आप जो अब रिचार्ज के जो रिचार्ज करवा कर हर महीने जो आप पेड चैनल देखते हो और उसके बाद जो बंद हो जाता है, तो आप एलईडी में फ्री में वो कैसे देख सकेंगे, तो इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहले तो ये है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बाजू में प्रेस का बटन है जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो आती है डीटीएच की इन्फॉर्मेशन की तो आप तक पहले मिले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम डीडी फ्री डिश की। तो डीडी फ्री डिश में अब देख सकते हैं कि टीवी हो एलईडी हो, अगर आप फ्री में देखना चाहते हो तो उसको आपको एक डीटीएच सेटअप बॉक्स लेना पड़ता है और सेटअप बॉक्स लगा कर आप उसके छतरी के साथ जोड़ कर आप वहाँ पर डीडी फ्री डिश के जो चैनल है वो देखते हैं। तो दोस्तों, अब एक नया ही प्रसार भारती का अपडेट आया है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो अपडेट कैसा है। तो पहले तो बात करूँ तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो पेड चैनल देखते हो यानी कि हर महीने का रिचार्ज करवाते हो, 6 महीने का रिचार्ज करवाते हो, 12 महीने का रिचार्ज करवाते हो, लेकिन जब वो बंद हो जाता है तो तुरंत बंद होने के बाद आप कोई भी चैनल वहाँ पर देख नहीं सकते। फिर आप रिचार्ज करवाओगे तब वहाँ पर आप वो चैनल देख सकते हैं। तो अगर आपका पेड चैनल चल रहा है और रिचार्ज ख़त्म हो गया तो आप डीडी फ्री डिश के चैनल कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब एक नई जानकारी आई कि यहाँ पर डीडी फ्री डिश के सेटअप बॉक्स आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपका पेड चैनल का सेटअप बॉक्स है वो चल रहा है और रिचार्ज ख़त्म हो चुका है तो तुरंत आप डीडी फ्री डिश के चैनल कैसे आप फ्री में एलईडी टीवी में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो नया एलईडी टीवी आएगा मार्केट में तो उसमें प्रसार भारती और MIB जो कंपनी है और टेलीविज़न जो कंपनी है उनको अपडेट दिया है कि अब पहले जो हमारा एंटीना पर चल रहा था यानी कि पुराने टीवी डब्बे वाले जो चल रहे थे, एक एंटीना ऊपर लगाना पड़ता था, उसके बाद उसका जो कनेक्शन बूस्टर में देते थे, एक नीचे कुछ छोटा सा बूस्टर रहता था और टीवी में आप डीडी फ्री डिश के चैनल एक या डीडी मेट्रो के जो चैनल आ रहे थे, दूरदर्शन एक आ रहा था, एक डीडी मेट्रो आ रहा था, तो हम पुराने ज़माने के जो पहले एंटीना लगा कर दो चैनल मान लीजिए कि देख रहे थे, दूरदर्शन और मेट्रो चैनल। तो अब कैसा होगा कि यहाँ पर जो डिब्बे वाले टीवी में जो ट्यूनर आता है यानी कि पीछे एक ट्यूनर का ऑप्शन आता था, तो जब हम एंटीना पर सर्च करते थे तो एक चैनल हमको देखने को मिलता था, सर्च करने के बाद एक नेशनल या डीडी मेट्रो का जो चैनल हमें सर्च करने के बाद यहाँ पर मिलता था, तब जाकर हम एक दो या चैनल देखते थे जो पहले दूरदर्शन का चैनल फर्स्ट टाइम में आ रहा था, उसमें रामायण और महाभारत और जय श्री कृष्ण अली प्लेला जैसी जो चैनल हम देख पाते थे। तो दोस्तों, अब एक नया ही ऑप्शन अब एलईडी टीवी में आने वाला है। जितने भी एलईडी टीवी अब नए प्रोडक्ट में जो बनेंगे तो उसमें एक अपडेट दिया है प्रसार भारती और MIB ने, जो भी उसमें बताया गया है कि जब जो भी प्रोडक्ट नए बनेंगे तो उसमें एक ऑटो स्कैन का ऑप्शन देना आपको पड़ेगा। तो जैसे पहले टीवी में आ रहा था ऑटो स्कैन का जो टीवी ट्यूनर, वैसे ही अब एलईडी टीवी में टीवी ट्यूनर आएगा। तो उसमें क्या होगा कि जो सेटेलाइट का ऑप्शन है वो जो एलईडी का जो कार्ड होता है उसमें ही सेट करके यहाँ पर टीवी ट्यूनर के साथ सेटेलाइट भी यहाँ पर जॉइंट कर देंगे, ताकि उसकी जो एलईडी की जो कॉस्ट है वो तो जो मार्केट के बाज़ार में जो चलती है वही चलेगी, लेकिन दोस्तों वो ऑप्शन अगर जो टीवी वाला ऑप्शन है वो उसमें आएगा तब आपको छतरी की ज़रूरत पड़ेगी, एक कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम एंटीना लगा रहे थे, अब वो छतरी और एक कैमरा की ही ज़रूरत पड़ेगी। जो केबल उस पर जो LMB से आता है वो सीधा आपके एलईडी में लगेगा, यानी कि सेटअप बॉक्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं रहेगी।
और जैसे ही आप उसमें स्कैन का ऑटो स्कैन का जो ऑप्शन आएगा आप ऑटो स्कैन है वहाँ पर करेंगे, तब आपके जितने भी डी डी फ्री डिश के जो चैनल आते हैं 150 या 160 जो भी चैनल आएंगे वो आप LED TV में मुफ्त में देख पाएंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल में भी एक ऑप्शन आने वाला है कि मोबाइल में भी आप बिना इंटरनेट के आप यहाँ पर डी डी फ्रीज के जितने भी सारे चैनल आएंगे वो आप मोबाइल में भी देख सकेंगे बिना इंटरनेट के, यानी कि आपका जो भी इंटरनेट होगा वो आपका यूज़ नहीं होगा लेकिन आप डी डी फ्री डिश के चैनल वहाँ पर देख सकेंगे, वो भी मोबाइल के में ऑप्शन ऐसा आने वाला है। और LED TV में आपको बताया मैंने कि LED TV में टीवी ट्यूनर भी ऐसे सेटेलाइट वाला आएगा, यानी कि पुराने डब्बे में जो पहले आ रहा था उसी तरह अब LED TV में ये ऑप्शन होने वाला है। आने वाले समय में ये बदलाव आने वाला है, तो बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है, यानी कि आप रिचार्ज वाले जो चैनल देख रहे हैं और बंद हो गया तो आप तुरंत ऑटो स्कैन करके अगर आप पेड चैनल नहीं देखना चाहते तो आप अपने LED TV में ये सारे जो डी डी फ्री डिश के चैनल है मुफ्त में आप देख सकेंगे और आपको कोई पैसा उसमें खर्चा करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी जानकारी है कि अब जो पुराने एंटेना लगाकर हम जो एक दो चैनल देख रहे थे उसी तरह हम LED TV में भी फ्री में यहाँ पर देख सकेंगे और हमारे जो सेटअप बॉक्स लगते हैं उसका भी पैसा हमें खर्चना नहीं पड़ेगा, यानी कि सेटअप बॉक्स की झंझट मारी जो है डीडी फ्री डिश की वो बहुत ही जल्द निकलने वाली है। तो हमारे पास ये अच्छी थोड़ी अपडेट आई थी तो दोस्तों आपके साथ शेयर कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बाजू में जो प्रेस बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन DTH के बारे में होगी वो आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार।